perpendicular bisector of line joining the center. ये हमने लिया था ना 10.3 एक्सरसाइज का जो लास्ट सम था उसमें हमने ये चीज की थी कि जो ये एंगल है यहाँ पे जो AM है वो MB के इक्वल आएगा और जो एंगल बन रहा है AMO डैश या AMO वो कितने का बनेगा 90. अब इसे हम लेट कर देते हैं. लेट OM इज इक्वल टू X तो MO डैश कितना आ जाएगा 4 माइनस X क्योंकि टोटल हमारा कितना है 4. अगर मैं इसे X लेट करूंगी तो इसे कितना करेंगे 4 माइनस X. अब देखिए ये है तो 90 का तो ये भी 90 डिग्री का. एक ट्रायंगल AOM मैंने ये ट्रायंगल लिए है AOM. अगर ये 90 डिग्री का है तो ये हाइपोटेन्यूस तो AO स्क्वायर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या आ जाएगा. AO स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर. OM कितना लिया था मैंने X इज इक्वल टू AM स्क्वायर तो AM स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया मेरा AM स्क्वायर. अब एक ट्रायंगल O-AM तो इसमें AM स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी AO डैश स्क्वायर माइनस O डैश M स्क्वायर मींस 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगी 9 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर. अब ये भी AM स्क्वायर है ये भी AM स्क्वायर है तो दोनों को मैं इक्वल पुट कर सकती हूँ तो क्या आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर. AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसे सॉल्व करके मुझे x मिलेगा 25 माइनस x स्क्वायर 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये चीज आ गई 25 माइनस x स्क्वायर 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इससे ये कैंसिल 25 माइनस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 8x इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 एंड 16 32 इज इक्वल टू 8x तो x की वैल्यू क्या आ गई 32 बाय 8 दैट इज 4. x हमारा क्या था x हमारा था OM OM क्योंकि मुझे तो OM निकालना ही नहीं मुझे तो AB निकालना है और AB क्या है 2 टाइम ऑफ PM तो मींस मुझे AB निकालना है और AB क्या है 2 टाइम ऑफ AM 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 क्या है हमारा 25 माइनस x स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 4 स्क्वायर और इस पूरे का रूट तो 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 16 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर इज द आंसर. क्या आंसर आ गया इसका इस AB की लेंथ कितनी आ जाएगी 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर. तो आपका होमवर्क है 2 एक्सरसाइज 10.4 इसका लास्ट सम थोड़ा अलग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी. ओके आई होप आपको ये सम अच्छे से क्लियर होगा हुआ होगा और इसे आप अच्छे से ही अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है थैंक यू.